बढ़ते आगे इस वक्त बड़ी खबर, और अब उस खबर की बात करते हैं जो अक्सर उत्तराखंड के लोगों को चुभती है। देवभूमि के लोग पूछते हैं कि उन्हें स्थायी मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पाता। आज फिर एक ऐसी खबर आई, संवैधानिक संकट का हवाला देकर तीरथ सिंह रावत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस्तीफे की पेशकश भेजी। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय भी मांगा। कुल मिलाकर इतना तय है कि तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनका कार्यकाल मात्र बेहद कम अरसे का रहा, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रदेश के बाकी पूर्व मुख्यमंत्रियों का रहा। कई दिनों के बाद खामोशी की चादर हटी और सस्पेंस से पर्दा उठ गया। सिर्फ 115 दिन में तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 10 मार्च को शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली दौरे पर लगातार खामोश रहने और फिर वापस लौटने के बाद आखिरकार इस्तीफा दे दिया। 9 नवंबर 2000 को अलग उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। अभी इसके 21 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन राज्य में सिर्फ एक सीएम को छोड़कर कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इस बीच राज्य ने 9 मुख्यमंत्री देख लिए। सबसे ज्यादा 5 साल 5 दिन तक नारायण दत्त तिवारी सीएम रहे, अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन इसके बाद कोई ऐसा नहीं कर पाया। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा की, उठापटक और पद से हटने और हटाए जाने का सिलसिला चलता ही रहा। एनडी तिवारी के बाद सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत ही ऐसे सीएम रहे जिन्होंने करीब 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। जब त्रिवेंद्र की जगह तीरथ सिंह रावत को प्रदेश की कमान सौंपी गई, तो भाजपा आला कमान के इस कदम को 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति कहा गया था, लेकिन अचानक तस्वीर बदल गई है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ देहरादून से अजीत राठी की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, जौलीग्रांट एयरपोर्ट से वो रवाना हो चुके हैं, और मेरे सहयोगी विनोद लगातार उसके काफिले के साथ जुड़े। विनोद, कहां पहुंचे अभी मुख्यमंत्री, कहां जा रहे हैं आप बताएं विनोद। जी जी रोहित, देखिए थोड़ी देर हो गई है, देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट से निकलकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अभी देहरादून शहर में एंटर कर चुके हैं, और इसके बाद मुख्यमंत्री अभी सेफ हाउस पहुंचेंगे। सेफ हाउस में वो कुछ लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, और उसके बाद में वो मीडिया सेंटर सचिवालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम पर और अपने इस्तीफे को लेकर पूरी जानकारी मीडिया को देंगे। आखिरकार किस तरीके से 3 दिनों का जो घटनाक्रम दिल्ली में रहा और जो संवैधानिक संकट का हवाला मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पत्र में दिया है, उसको लेकर तमाम जानकारी वो मीडिया से साझा करेंगे। लेकिन ठीक अभी जो जानकारी मिल रही है उस पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री अभी अपने पहले सेफ हाउस जाएंगे और सेफ हाउस के बाद में अपने निजी आवास भी जा सकते हैं, और 9:30 बजे मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री जानकारी देंगे। और ये भी बता दूं रोहित जी, जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, तो कल विधानमंडल दल की बैठक देहरादून में हो सकती है, और जिसके चलते संगठन की ओर से भाजपा के जितने भी पार्टी के विधायक हैं उनको देहरादून मूव करने के लिए बोला गया है कि अगर जल्द से जल्द विधायक दल की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कल 4 बजे शाम को 4 बजे उत्तराखंड में विधायक दल की बैठक होगी, और इसी बैठक में विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा, यानी उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा 4 बजे इसका पता चल जाएगा। एक बार फिर से विनोद का रुख करते हैं। विनोद जी, आप बताइए कहां पहुंचा काफिला अभी तीरथ सिंह रावत का? जी देखिए, काफिला अभी धर्मपुर चौक पर पहुंच चुका है रोहित, और अब थोड़ी सी देर बाद यानी करीब 10 से 5 मिनट के बीच का समय और लगेगा मुख्यमंत्री को बीजापुर सेफ हाउस पहुंचने के लिए, और उसी दौरान राजभवन भी बीच में पड़ेगा, मुख्यमंत्री आवास भी बीच में पड़ेगा। तो अभी ये तो जरूर नहीं कह सकते कि सीधे तौर पर राजभवन मुख्यमंत्री जा रहे हैं। जो जानकारी अभी मिली है, जो पुलिस के माध्यम से अभी जो रूट तय है, वो बीजापुर सेफ हाउस का है, वहाँ लोगों से कुछ मुलाकात कर सकते हैं। कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में थे, उनका मूवमेंट भी देहरादून के लिए हो गया है, वो भी थोड़ी देर बाद में
देहरादून पहुंच जाएंगे, जिसमें सुबोध उनियाल हो, हरक सिंह रावत हो, तमाम अन्य जितने भी मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में थे वो देहरादून पहुंच रहे हैं। और उसके बाद में 9:30 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तीरथ सिंह रावत 9:30 बजे करेंगे, जिसकी तमाम घटनाक्रम को और अपने इस्तीफे के तमाम सारी जानकारी वो मीडिया को देने वाले हैं। और अभी 9:30 बजे के बाद में वो राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिल सकते हैं, अपने इस्तीफा की पेशकश कर इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है। और हम थोड़ी देर अब धर्मपुर चौक पर हैं, धर्मपुर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर राजभवन है और उसी की थोड़ी दूरी पर सेफ हाउस है, जिसके चलते अब थोड़ी देर बाद में यानी 5 से 7 मिनट के बीच में रोहित हम मुख्यमंत्री आवास के करीब होंगे, राजभवन के करीब होंगे। और उसके साथ ही साथ जो बीजापुर सेफ हाउस है, जो रूट के अनुसार अभी तक मुख्यमंत्री का तय कार्यक्रम है, वो अभी सिर्फ बीजापुर पहुंचेंगे और वहीं पर कुछ मंत्रियों से भी, सरकार के मंत्रियों से मुख्यमंत्री बात करेंगे। और आखिरकार अलग अलग जो भी मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में थे, जिसमें हरक सिंह रावत है, धन सिंह रावत है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है, और साथ ही साथ सुबोध उनियाल जो टिहरी के नरेंद्र नगर यानी अपने विधानसभा क्षेत्र में गए थे, उनको भी देहरादून बुला लिया गया है। तो इस्तीफे से पहले और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सभी मंत्रियों के साथ में अभी मुख्यमंत्री बात करेंगे बीजापुर सेफ हाउस में, और उसके बाद में मीडिया को जानकारी देंगे। यानी विनोद 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी अभी मुख्यमंत्री सीधे सेफ हाउस जाएंगे यानी बीजापुर गेस्ट हाउस जाएंगे, और उसके बाद वो सचिवालय में 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम को 4 बजे बैठक होगी। और आप इस वक्त लगातार मुख्यमंत्री के काफिले के साथ मौजूद हैं। विनोद, कहां पहुंचा मुख्यमंत्री का काफिला और कितनी देर लगेगी सेफ हाउस पहुंचने में? जी रोहित, देखिए काफिला अभी सर्वे चौक पर पहुंच चुका है और सर्वे चौक के पास में ही विधानसभा सचिवालय है, माफ कीजिए सचिवालय है, और सचिवालय में ही 9:30 बजे मुख्यमंत्री को प्रेस वार्ता करनी है। लेकिन ठीक उससे पहले बीजापुर सेफ हाउस वो अभी पहुंचने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी मंत्री, जो सरकार के सभी मंत्री हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे और अलग अलग विषयों पर भी बात कर सकते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह से अब बड़ी एक सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आगे करो इससे तो ये ज़रूर देखा जाएगा रोहित, बड़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब 3 महीने ही हुए हैं और अब ऐसे में सूबे को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, सबकी कमान यही है। और दुर्भाग्य भी ये कह सकते हैं कि आखिरकार जिस तरह से जनता का प्रचंड बहुमत इस सरकार को मिला और उस तरीके का नतीजा यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को नहीं देखना मिल रहा है। और यही है कि 1-4 साल में मुख्यमंत्री हटे और एक अब 3 महीने अपने पूरे करके हटे हैं, और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कई नाम ऐसे लिस्ट में है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। विनोद, आप लगातार दिखाने में चाहूंगा कि अभी स्थिति कहां पहुंचे आप और कितनी देर लगेगी अभी सेफ हाउस पहुंचने में। विनोद जी, देखिए अभी रोहित हमारा काफिला सचिवालय के करीब है और सचिवालय से करीब 4 से 5 मिनट के बीच में हम राजभवन सेफ हाउस और मुख्यमंत्री आवास के करीब होंगे, और करीब 5 मिनट ही अभी यहाँ से लगने वाली है, क्योंकि यही सचिवालय के पास से हम गुजर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर प्रेस वार्ता करने यहाँ पर पहुँचेंगे और ठीक उसके बाद में तमाम जानकारी इस घटनाक्रम को लेकर देंगे। जी बिल्कुल, और आप लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी बिल्कुल किस तरफ काफिला मुड़ा है, सेफ हाउस की तरफ ही काफिला जा रहा है विनोद? जी जी रोहित, देखिए अभी काफिला मुख्यमंत्री आवास के, माफ कीजिए, सचिवालय के अंदर जा चुके हैं मुख्यमंत्री, और अभी रूट में थोड़ा सा तब्दीली हुई है और ये सीधी तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम उत्तराखंड सचिवालय के बाहर हैं। और ये देखिए, ये उत्तराखंड सचिवालय है जहाँ पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एंट्री कर चुके हैं साफ तौर पर। यानी बिल्कुल विनोद, यानी सेफ हाउस की जगह सीधे वो सचिवालय पहुंचे और यहीं पर वो उसके कुछ ही देर बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं विनोद, और गेट बंद कर दिया गया है। बिल्कुल विनोद, दिखाएं तस्वीरें। एक मिनट विनोद, अरे खोल दे यार ना, आजा। विनोद बिल्कुल बिल्कुल, आपको मुश्किल आ रही है वहां पे, हम देख रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं कि क्या स्थिति है अभी। तस्वीरें दिखाएं विनोद। बहरहाल हमारे साथ अजीत सिंह राठी भी लगातार बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। अजीत, क्या कहना आपका, मुख्यमंत्री सीधे सचिवालय पहुंच चुके हैं अभी और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और
कल 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है, इस तरह की खबर भी आ रही है। बिल्कुल जी अजीत जी, बिल्कुल। देखिए, जैसा अभी एक सूचना मिल रही है कि जैसा मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाता हूं रोहित, जो मीडिया सेंटर है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो सचिवालय के जिस गेट से मुख्यमंत्री की फ्लीट अंदर घुसी है उसके बिल्कुल कोने पर सचिवालय से बाहर लगा हुआ मीडिया सेंटर है, उसका रास्ता अंदर से आता है। तो मुख्यमंत्री वहां से आएंगे, 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी सभी मंत्रियों को बुलाया है, चूँकि इस्तीफे की घोषणा करते वक्त आप अपने सहयोगी साथ रहने चाहिए, राजभवन जाते वक्त अपने मंत्रिमंडल के सदस्य, विधानमंडल दल के सदस्य, संगठन के नेता होने चाहिए, इसकी तैयारियां हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पहले जैसे एक कार्यक्रम, मतलब अमूमन तौर पर ये देखा जा रहा था कि वो पहले सेफ हाउस जाएंगे, फिर उसके बाद राजभवन आएंगे, राजभवन में इस्तीफा देने के बाद वो मीडिया सेंटर आएंगे, लेकिन उनका सचिवालय जाना इस बात को दर्शा रहा है कि पहले 9:30 बजे वो मीडिया से बात करेंगे, वो अपना मंतव्य बताएंगे, पार्टी के फैसले से लोगों को अवगत कराएंगे और किन कारणों से, किन परिस्थितियों में उनको ये सब करना पड़ रहा है और उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो वो सब उन पर एक जैसा राजनीतिक स्पष्टीकरण होता है जिस तरह से वो देंगे, और उसके बाद शायद यहीं से वो सीधे राजभवन जाएंगे, क्योंकि राजभवन में भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। वहां से एक पुष्ट सूत्र जानकारी तो नहीं मिल रही है रोहित, लेकिन ये तय है कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो तत्काल राजभवन जाएंगे और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जी रोहित, बिल्कुल। और आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि नरेंद्र तोमर ग्वालियर से दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जहां से वो सीधे उत्तराखंड आएंगे। नरेंद्र तोमर अजीत, तो नरेंद्र तोमर सुबह की फ्लाइट से देहरादून जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और सुबह की फ्लाइट से देहरादून पहुंचेंगे, और कल शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक हो सकती है। अजीत जी, बिल्कुल। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया, और हमारे दर्शकों को जो वो सुनना चाह रहे हैं सही खबर क्या है, तो ये कल 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनकी अध्यक्षता में, उनके सुपरविजन में, उनके पर्यवेक्षण में ये विधानमंडल दल की बैठक होगी, और विधानमंडल दल में इस बार वो नया नेता चुना जाएगा, इस उत्तराखंड का नया मुस्तकबिल चुना जाएगा। और चूंकि इस्तीफा देने के बाद आज रात से और कल शाम तक, जब तक वो विधानमंडल दल का नेता ना चुन लिया जाए तब तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जैसी संवैधानिक व्यवस्था होती है कि अपने इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल ये कह देते हैं कि अगली व्यवस्था होने तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो कल जैसे विधानमंडल दल का नेता घोषित होगा, और उम्मीद ये है रोहित, जिस तरह की खबरें मिल रही है कि विधानमंडल दल की बैठक के तत्काल बाद भी एक सादे समारोह में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। अजीत, लेकिन नाम जो चल रहे हैं वो नाम कौन कौन से, अब सबकी रुचि इसमें है अजीत? देखिए, चूंकि पार्टी ने ऐसा सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर ये एक सहमति बना ली है, एक निर्णय ले लिया है कि इस बार मुख्यमंत्री विधायकों में से होगा, और विधायकों में जिनके नाम चल रहे हैं उनमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी और ये तमाम ऐसे बड़े नाम चल रहे हैं कि इनको, इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चूँकि कल एक खास बात रोहित ये भी है, एक नई जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, ऑब्जर्वर के साथ राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी देहरादून पहुंच रहे हैं, और वो भी यहाँ वो भी उनके साथ में उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि वो इस राज्य के रहने वाले हैं। तो कल वो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आएंगे और उनके सुपरविजन में भी आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ये एक तय माना जा रहा है कि इस बार नया जो मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों में से चुना जाएगा, इस बार सांसदों की चॉइस बिल्कुल पार्टी ने किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी है।